जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज इनम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं आसान भाषा में। देखिए, इस कंपनी के बारे में बात करना क्यों जरूरी है। एक तो ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। आपको पता है कि दुनिया में चाहे कितना भी संकट आ जाए, दवाइयाँ बिकेंगी ही बिकेंगी। यानी कि यदि फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो ये एक छोटी कंपनी है, और आपको पता है कि छोटी कंपनी में यदि अच्छी छोटी कंपनी आपको मिल जाती है, समय पर उसमें निवेश कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए सुनहरा अवसर मिल सकता है पैसा कमाने का। इसलिए मैं छोटी छोटी कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो यदि हम लोग इस कंपनी के काम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कंपनी मैनुफैक्चर और ट्रेड करती है किसमें, फार्मा प्रोडक्ट्स में, यानी कि दवा वो बनाती है और जो बनाती है उसको बेचने का भी काम करती है। तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग करना, उस बिजनेस में कंपनी ट्रेडिंग करती है। तो काम कंपनी का समझ में आ गया, और कंपनी का काम के बिहार पे आने वाला समय कैसा रहेगा यह भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि क्या कंपनी इस बेसिस पे ग्रो करने के मतलब पॉसिबिलिटी रखती है कि नहीं। तो यहाँ पर फंडामेंटल सबसे पहले देखते हैं। मार्केट कैप तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है, छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनी के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो 1 रुपये 30 पैसा का, 3 पैसा के आसपास, जो कि इसके पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक, यानी वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस उतना महंगा नहीं। सामान्यतः जो छोटी कंपनी होती है उनका पी एक तो इतना कम होता ही नहीं है, ये तो 20 से भी कम है। काफ़ी अच्छी बात है कि पी कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना, पैसा कहाँ पे लगाना, वो चांस देने के बाद ही तय होगा। अब देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का एक तो जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज़्यादा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है और जो ROCE होता है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि माइनस में नहीं है। तो अभी तक हमने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा। इन दोनों स्तर पर कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें दिख रही है। अब चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि हमें चार्ट देख के पता लगे कि कहाँ पे इस कंपनी के शेयर को यदि खरीदना है तो खरीद सकते हैं और बेचना है तो निकल सकते हैं। अभी मैंने एक्सेल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और एक्सेल का चार्ट पर आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं 2 रुपये का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिया था। तीसरी बार सपोर्ट नहीं ले पाया और प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। ये तकरीबन अगस्त की बात है, और काफ़ी नीचे आ गया, 1 रुपये के आसपास आ गया, और यहाँ पर आकर अभी ठहरा हुआ है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है, जो जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, यदि 1 रुपये के लेवल को भी प्राइस तोड़ के नीचे आ जाता है, तो जैसे नीचे आने लगे और 1 रुपये के नीचे आने के बाद यहाँ पर सस्टेन करे, तो आप यहाँ पर तुरंत अपना स्टॉक जो भी है उसमें से हाफ क्वान्टिटी बेच के निकल जाइए। क्योंकि फंडामेंटल भले बेहतर है, लेकिन टेक्निकल स्तर पर, क्योंकि चूंकि पेनी स्टॉक है, तो आपको पता है कि इसमें ऑपरेट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि ऑपरेट करके इसके प्राइस को और गिराया जा रहा हो, ताकि सबसे निचले स्तर पर जाकर जो ऑपरेटर्स हैं वो माल को उठाएं। तो आपको इसमें बने रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्राइस 1 रुपये के नीचे आता है तो आप आधा क्वान्टिटी बेच के निकल जाएगा, और उसके बाद जब प्राइस फिर नीचे आने के बाद, प्राइस जब यहाँ से गिर के फिर प्राइस जब ऊपर उठेगा, 1 रुपये के लेवल पर आने के बाद समय बिताएगा, और इस समय बिता कर जब ऊपर निकलेगा, तो फिर आप अपना जितना क्वांटिटी बेचे हैं उसके डबल क्वांटिटीज में उठा लीजिएगा। सेम बात नए लोगों के लिए भी है कि नए लोगों को अभी इसमें एंट्री नहीं लेनी है। जब प्राइस 1 रुपये के नीचे आ जाए और जब रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर निकले, फिर वहाँ पे आपको नया एंट्री इसमें लेना है। और आप सीधे 2 रुपये, फिर 2 रुपये से निकलने के बाद 3 रुपये तक, जो कि यहाँ पर जहाँ एक बार इसने समय बिताया था, यहाँ तक के लिए आप पा सकते हैं। टारगेट आपका यह रह सकता है। तो जो बातें मैंने आपको आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वीडियो को देख रहे थे उनको समझ में आ गई होगी। तो कंपनी का चार्ट क्या बोलता है वो बातें मैंने आपको आसान भाषा में बता दी। अब ऐसा हो भी हो सकता है कि जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उनकी भी रणनीति ठीक ना हो, इस वजह से प्राइस अभी नीचे जा रहा है। तो आपको नीचे जाते हुए प्राइस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। टेक्निकली जब प्राइस नीचे से फिर रिट्रेसमेंट पार कर ऊपर उठेगा, वहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको इरम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बताई आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।